इस पंचायत में हम लोग किसी भी पार्टी को नहीं चाहते हैं कि आप आए या काम किए जाने की, हम लोग को किसी के नहीं लगता कि आप काम करें। पानी दूर से आना पड़ता है, दूसरे के बोर से, जनमिनार से। अच्छा, तो आप लोग ये बात रखे थे सांसद महोदय के पास? हाँ रखे थे, तो बोले जो हो जाएगा हो जाएगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। बोल लिए तभी बोले थे। क्या बोले थे? कि हम चारदीवारी दे देंगे, इसमें सब गेट लगा देंगे, पानी व्यवस्था कर देंगे, कुछ नहीं दिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम नगर उटारी से 8 से 9 किलोमीटर दूर गरबांध में आए हुए हैं। यहाँ पर हमको सुनने में आया कि 10 साल से सांसद डीडी राम जो हैं वो इस गांव को गोद लिए हुए थे, और हम आए तो गांव वालों से पता चला कि यहाँ पर एक स्कूल है। आप इस वीडियो के माध्यम से स्कूल देख सकते हैं, राजकीय मध्य विद्यालय गरबांध। इस स्कूल में पीने का पानी नहीं है, अपना चंपाकल नहीं है और प्लस्तर नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिन रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। उधर लैट्रिन रूम है, उधर भी साफ़ नहीं हुआ है, और पूरा देख सकते हैं किस तरह से, मतलब जर्जर भी कहा जा सकता है, इस जर्जर स्थिति है। स्कूल बन गया है और स्कूल बन गया है लेकिन यहाँ पर स्कूल में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है लेकिन यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि गरबांध गांव को सांसद जी गोद लिए हुए हैं तो ये बहुत तेज़ी से विकास करेगा, लेकिन विकास का पोल खुलता यह गरबांध है। तो आइए, यहाँ पर कुछ बच्चे लोग भी हैं और जो यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ गार्जियन लोग भी हैं, उन्हीं लोग से हम जानते हैं। क्या क्या यहाँ पर पानी उनी मिलता है? नहीं। कहाँ पानी पीने जाना पड़ता है? वहाँ पर, वो बगल में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ पर, यहाँ से यही 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? बगल में। बगल में कितना दूर है, मतलब 10 डेग? अच्छा 10 डेग, मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है। इस विद्यालय में नहीं है चापाकल? नहीं। और लैट्रिन की सब व्यवस्था, पेशाब वेशाब लैट्रिन करने कहाँ जाते हैं? सब ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, खुला में ही कर लेते हो? तो बोलो आओ, क्या व्यवस्था है स्कूल में? कुछ नहीं। बेंच डेस्क है स्कूल में? जी सर। हाँ। अच्छा, बेंच डेस्क है और इधर इधर घूमते रहते हैं लेकिन खेलता फिर कि नहीं? इधर बाहर खेलते हैं, सब खेलते रहता है। और क्या व्यवस्था, इधर पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ता है? तो बोलिए, क्या बोले सर? देख ये रहे सामने जो है, क्या बताइए आप, क्या हमारे स्कूल में देखे गाय भैंस सब बनाता है? अच्छा, बाउंड्री नहीं, चार दीवारी नहीं है। बी डी राम बोले थे कि चार दीवारी हम देंगे, आज तक नहीं दिए। कितना दिन पहले बोले थे? तो बोल लिए तभी बोले थे। क्या बोले थे? कि हम चार दीवारी दे देंगे, इसमें सब गेट लगा देंगे, पानी व्यवस्था कर देंगे, कुछ नहीं दिए। अभी बी डी राम दिए हैं 54 लाख रुपया के सुंदरीकरण। अच्छा, उसमें एक रम बेड नहीं भरा है, आप साइड लेने में दिक्कत होता है। अच्छा, गाड़ी के जब गाड़ी जाता है तो बाइक आता है, बाइक चल जाता है पोखरा में, और जो प्रतिनिधि हैं वही बना है, और एक नगर ठेकेदार हैं, दो ठेकेदार हैं, वो लोग बोलते हैं तो घर से बनाएंगे। अच्छा, कौन बोलते हैं, प्रतिनिधि कौन है? जो ठेकेदार हैं। अच्छा, प्रतिनिधि कौन बोले आप? जो ठेकेदार, हम लोग प्रतिनिधि बात खत्म कीजिए, जो ठेकेदार यहाँ, दो ठेकेदार हैं, एक नगर ठेकेदार और गरबांग ठेकेदार हैं। यहाँ मेरा सुंदरीकरण था, ये क्यों सुंदरीकरण बन रहा है? आप देख सकते हैं पोखरा पर चढ़कर सोलर लाइट है, पूरा सोलर लाइट भी नहीं बना है। अच्छा, क्या कहिएगा गार्जियन, बोलिए क्या व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो स्कूल का कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी पानी नहीं है स्कूल का, बच्चा का कोई साधन नहीं है, कपड़ा लगा नहीं, पानी दूर से आना पड़ता है, दूसरे के बोर से, जनमिनार से। अच्छा, तो आप लोग ये बात रखे थे सांसद महोदय के पास? हाँ रखे थे, तो बोले जो हो जाएगा हो जाएगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। कितना दिन पहले रखे हुए थे? वो जब गोद लिए थे तब ही बोले। कितना दिन पहले? लगभग 5 साल के अंदर में बोले थे। अच्छा, 5 साल के अंदर में बोले थे, तब पर भी कुछ अभी तक संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और बोले बोले अध्यक्ष, देखिए ये स्कूल के अध्यक्ष है, क्या क्या व्यवस्था क्या है? देखिए, मेरा नाम अरविंद पासवान हुआ, मैं इस विद्यालय के प्रबंधक समिति अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक मामला है इस विद्यालय के प्रति, मैंने बी डी राम को 4 बार आवेदन दे चुका हूँ, 2 बार डी सी की दे चुका हूँ, 1 बार झामुमो जो अध्यक्ष हैं उनको मैंने 2 बार आवेदन दिया हूँ। कौन झामुमो अध्यक्ष? शांति देवी। अच्छा, मैंने 2 बार उनका आवेदन दिया हूँ, 4 बार बी डी राम को दिया हूँ और 2 बार डी सी महोदय के दिया हूँ। और नगर प्रखंड में हालांकि मैंने साल में 4 बार दे देता हूँ, न तो यहाँ पानी मिल पाया, न तो यहाँ 4 दीवारी मिल पाया। छोटा मोटा प्रोजेक्ट अगर बनता भी है तो 4 दीवारी बिना असुरक्षित है।
दूसरी बात है कि जो बिल्डिंग बना है अधूरा कारण पड़ा है, क्योंकि जिसने बिल्डिंग बनाए हैं उन पर हम लोग FIR करने का हमने लिखित आवेदन भी दिया हूँ। शायद वो मामला कोर्ट में है, क्या हो रहा है कौन है अभी हम तो बताया नहीं गया। जहाँ तक बात है शौचालय की, बात शौचालय बना है, लेकिन अगर जो शौचालय में अगर पानी नहीं है तो कई दिन रहेगा वो? ठीक, मात्र 2 घंटा पानी नहीं है तो क्या कीजिएगा? पानी लाएगा कहाँ से? यहाँ का मध्यान्ह भोजन प्राइवेट पानी से चलता है, जो कि हम विभाग को बहुत बार लिख के दिया हूँ, फिलहाल लिख के दिया हूँ। अभी यहाँ बूथ केंद्र है आपका, 3 बूथ केंद्र यहाँ बना है जिसमें हम लोगों को खाना देना है। BDO साहब आई थी, वो हम उनको बताया कि यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि किसी तरह से पानी कीजिए यहाँ, क्योंकि चुनाव मतदान केंद्र है। हमने बताया उनको कि कहाँ से पानी दिया जाए, बोले किसी तरह से किया जाए। वो भी उस समय आया और सलाह नहीं दिए कि पानी आपको मिलेगा। हमने बोला कि आप टंकर दे दीजिए, लेकिन टंकर भी देने से इनकार कर दी। इस पंचायत में हम लोग किसी भी पार्टी को नहीं चाहते हैं कि आप आए या काम किए चाहे नहीं किए। हम लोगों को किसी के नहीं लगता कि आप काम किए, या झामुमो है या तो भाजपा है, या कि मैं सभी के पास जाकर दवा कुआड़ी ठुकठुका चुका हूँ। तो सब बोलते हैं कि भाई DD राम गोद लिए हुए हैं, तो मेरे नहीं बोले कि आप गोद लिए हुए हैं तो कुछ तो देखिए मेरे पास लिखित है। अगर आप मेरा विद्यालय खुलेगा तो मेरे पास लिखित है, मैं रिसीविंग करवा के रखा हूँ। ठीक है, अगर आप जब भी अगर खाली विद्यालय में आए तो मेरे पास सब कुछ है। 4 दीवारी के 10 बार मांग किया हूँ। यहाँ से हट के एक विद्यालय, यही विद्यालय है लेकिन बिल्डिंग अलग अलग है। ठीक है, वहाँ से 10 9 पढ़ते हैं, जिसमें आज भी वहाँ 10 9 का बच्चा ऐसे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, बेंच नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने कुछ टीचर चंदा मिला के चटाई लिए हैं, जो चटाई पर बैठ के बच्चा पढ़ते हैं, बेंच तक नहीं दिया गया। तो क्या दुर्भाग्य इस पंचायत की से बड़ी क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उधर कैमरा ले लीजिए, बैल बकरी बढ़ाने वाला कैमरा ले जाइए।